सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि ये वाला फोटो किस तरह से एडिटिंग किया जाता है और इसका जो बैकग्राउंड एंड पेंजेस होगा आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फुल एचडी में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर हमारा चैनल पे अभी कोई नया है तो अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में एक मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे पोस्ट को देख सकते हो कि मैं किस तरीके का फोटो एडिटिंग करता हूँ। तो दोस्तों, बिना देरी के चलते ही सीधा वीडियो की तरफ। सो दोस्तों, पहला स्टेप में आपको ये वाला बैकग्राउंड लेना पड़ेगा जो कि एकदम फुल एचडी है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे टूल्स में जाकर हम क्रॉप में जाएंगे। क्रॉप में जाकर हम नीचे से थोड़ा सा क्रॉप करके यहाँ से हम सीधा सा डन कर देंगे। दोस्तों, मैं ठीक से क्रॉप कर लेता हूँ, अभी ठीक है, इस फोटो के लिए एकदम परफेक्ट है ये वाला एडिटिंग के लिए। अभी हम जाएंगे एड फोटो में जाकर हम यहाँ पर मॉडल वाला पिक यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सो दोस्तों, मैं ये वाला फोटो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज करके रखा हुआ है। अगर आपका बैकग्राउंड इरेज करना नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को आप देखकर सीख सकते हो। देन हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। डन करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे फिर से एड फोटो में जाकर यहाँ पर हम लाइट वाला पीएनजी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सो दोस्तों, ये वाला पीएनजी मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। इस पीएनजी को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर ब्लेंड मोड में जाएंगे। ब्लेंड मोड को स्क्रीन मोड में सिलेक्ट करके हम इफेक्ट में जाएंगे। देन हम सेकेंड कलर का ह्यू को सिलेक्ट करके यहाँ पर डन कर देंगे। तो दोस्तों, ये वाला कलर जो है मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा है। सो दोस्तों, इसको कलर पहले जैसा था वैसा ही कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम फिर से जाएंगे इफेक्ट्स वाला ऑप्शन में। इफेक्ट्स वाला ऑप्शन में जाकर हम यहाँ पर कलर्स वाला ऑप्शन में जाएंगे। देन हम यहाँ पर कलर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम रेड कलर का सिलेक्ट करके यहाँ से हम डन कर देंगे। दोस्तों, मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद देखिए दोस्तों, अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ठीक से ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से ऐड करने के बाद हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे ड्रॉ टूल वाला ऑप्शन में जाएंगे। ड्रॉ टूल वाला ऑप्शन में जाकर यहाँ पर सेकेंड लेयर में हम ब्रश वाला ऑप्शन लेंगे। इसका हम ब्लेंड मोड करेंगे, ब्लैक कलर लेंगे एंड यहाँ से हम मार्क कर देंगे। पर मार्क करने के बाद हम लेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड थ्री डॉट वाला ऑप्शन में क्लिक करके इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करके इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे, जितना चाहे बड़ा कर लेता हूँ मैं। सो दोस्तों, शायद इतना सा बड़ा ठीक है। अभी हम यहाँ से टिक मार्क को क्लिक करके यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। डन करने के बाद हम इसके ओपेसिटी को रखेंगे। मैं यहाँ पर ओपेसिटी को रख लेता हूँ कम से कम 30 में रख लेता हूँ दोस्तों, तो 30 अभी ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ से होने के बाद हम यहाँ से थ्री डॉट में क्लिक करेंगे एंड इस पिक को हम गैलरी में सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम जाएंगे लाइट रूम वाला ऑप्शन में। सो दोस्तों, ये रहा लाइट रूम एप्लीकेशन। यहाँ पर मैं अपना पिक जो अभी पिक्सर आर्ट में एडिटिंग किया उस पिक को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम यहाँ पर कलर एडिटिंग करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर फाइनली पिक ऐड हो गया। अभी हम यहाँ से सीधा सा सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, लाइट रूम में आने के बाद हम पहले जाएंगे लाइट वाला ऑप्शन में। उसके बाद हम एक्सक्रोस को थोड़ा सा कम कर लेंगे। उसके बाद हाईलाइट को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। हाईलाइट को हाई करने के बाद हम शेडोज को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। उसके बाद हम व्हाइट को थोड़ा सा हाई कर लेंगे एंड एकदम नीचे जो है ब्लैक को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। कम करने के बाद हम जाएंगे कलर्स वाला ऑप्शन में। यहाँ से हम कस्टम वाला ऑप्शन लेंगे। मिक्स वाला ऑप्शन में जाएंगे, पहले लेंगे हम गुलाबी कलर का ऑप्शन। सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लेंगे एंड लुमिनस को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे रेड कलर के ऑप्शन में। ह्यू को थोड़ा सा हाई कर लेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा हाई कर लेंगे एंड लुमिनस को भी थोड़ा सा हाई कर लेंगे। हाई करने के बाद हम जाएंगे स्काई कलर के ऑप्शन में। ह्यू को थोड़ा सा कम कर लेंगे, सैचुरेशन को हाई कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम लुमिनस को भी हाई कर लेंगे। तो दोस्तों, इतना सा करने के बाद हम जाएंगे ग्रीन कलर के ऑप्शन में। ह्यू को थोड़ा सा लो कर लेंगे, सैचुरेशन को हाई कर लेंगे एंड लुमिनस को भी थोड़ा सा हाई कर लेंगे। हाई करने के बाद हम यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे ट्राइंगल वाला ऑप्शन में। यहाँ से हम शार्पनेस को थोड़ा सा हाई कर लेंगे, कम से कम 25-26 हो गया, कोई बात नहीं। अभी हम मार्किंग में जाएंगे। मार्किंग में जाने के बाद हम मार्किंग को रखेंगे यहाँ पर 15। उसके बाद हम नॉइस को यहाँ पर रखेंगे 10 या 15 के बीच में रखेंगे, तो मैं रखता हूँ 10। अभी हम कलर नॉइस को यहाँ पर रखेंगे 10। सो दोस्तों, हो गया। अभी हम सर्कल वाला ऑप्शन में जाएंगे। क्लियरिटी को थोड़ा सा हाई कर लेंगे एंड विगनेट को थोड़ा सा लो कर देंगे। दोस्तों, देखिए विगनेट को लो करने के बाद बहुत ही अच्छा एडिटिंग यहाँ पर हो गया। सो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाओ और बैकग्राउंड एंड पीएनजीज को डाउनलोड करो और मेरे जैसे एडिटिंग करो। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी धमाकेदार एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।